ग्वालियर में हमेशा से बेटियों से ज्यादा महत्व बेटों को दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ की हवा बदल रही है। शहर के सलमान ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि उसकी बेटी आयत अब पूरे देश में चर्चित हो गई है। सलमान ने उसके घर में बेटी का जन्म होने पर अपने तीनों हेयर सलून 24 घंटे के लिए फ्री कर दिए हैं। सुबह से वह खुद 100 लोगों की हेयर स्टाइल शेविंग कर चुका है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, वह सलून पर पहुंच रहे हैं। पहले सभी सलमान के इस कार्य की सराहना करते हैं, फिर फ्री हेयर कटिंग भी करवा रहे हैं। थाटीपुर निवासी 27 वर्षीय सलमान खान के 3 सलून शहर में है। उसकी शादी को अभी 2 साल हुए हैं। 26 दिसंबर को उनके घर में पहले बच्चे ने जन्म लिया। पहला बच्चा बेटी के रूप में जन्मा है। बेटी के जन्म पर सलमान और उनकी पत्नी इतने खुश हैं कि उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। बेटी आयत अभी 10 दिन की हुई है। सलमान ने 4 जनवरी को अपने तीनों सलून अगले 24 घंटे के लिए फ्री कर दिए। मतलब यहां आने वाले ग्राहकों को हेयर कटिंग और शेविंग के बदले पैसे नहीं चुकाने होंगे। यह विचार कैसे और क्यों आया? सलमान का कहना है कि बहुत सुना है, लोग बेटियों से ज्यादा बेटों की मांग करते हैं। यह अंतर मैं खत्म करना चाहता हूँ। सच तो ये है, बेटी बेटे से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। लोगों की गलत सोच को हटाने के लिए मैंने यह कदम उठाया है। बेटी के लेके इसलिए हमने सोची कि इंसान बेटियों पे ज़्यादा वो नहीं रखता है, मानता है कि बेटी हो गई है, दुखी हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि आज अपनी तीनों दुकानें फ्री करें, सामने वालों को दिखाएं कि बेटियों के आ जाने से दुखी ना होते हुए खुश होएं। अपनी 3 दुकानें हैं, एक कुमारपुरा, एक शिवाजी नगर, एक नदी पार टाल पे। आप लोगों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटी के आ जाने से दुखी ना होते हुए खुश होएं। सुबह से लेकर अभी तक आप कितनी लोगों की कटिंग या दाढ़ी फ्री में बना चुके हैं? सुबह से लेकर अभी तक हम 70 से 80 आदमियों का काम फ्री कर चुके होंगे। वैसे अगर रोजाना देखा जाए तो आपका इतने कटिंग में कितना बिजनेस होता है? हमारा इतनी कटिंग में बिजनेस हो जाएगा समथिंग 3 से 3,500 रुपये तक का हो जाएगा। कितने भाई बहन है? आपकी बेटी कब हुई थी? बेटी हमारी 26 दिसंबर को हुई है, और 3 बहन और 2 भाई हैं हम। इसने बहुत अच्छा काम करा है, खुशी का काम करा है बेटियों के लिए। क्या इंसान बहुत बुरा मानता है, इंसान बेटी होती है बहुत इंसान दुखी होता है, उसके लिए इनने पहली वो दी है पहल कि बेटी होने की खुशी में अपन इतनी खुशी कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरे मैं भैया के पास मैं आया कटिंग करवाने, ने मेरी कटिंग कराई, दाढ़ी बनी, मुझसे कोई पैसे लिए, फ्री सेवा करी मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके लिए। वैसे तो भाई रिलेशन में ही है, मैंने देखा क्या उसने व्हाट्सअप किया था, घर में बेटी होने की खुशी में उसने बोला यार कोई ऐसा कुछ नहीं करता, कुछ हटकर करना है, तो उसने मेरे से बोला क्या सैलून फ्री हो रहे हैं अपने यहाँ, मैंने पता लगाया था। अधिकतर देखा कोई लड़कियों के बारे में सोच उतनी सी ही रखता है, क्या करेंगे बेटी तो ये कोई दिक्कत नहीं, इतनी खुशी नहीं रहती। और भाई ने ऐसा करा कुछ पूछ ही नहीं जाए, इतनी खुशी का आदमी देख रहा है अभी जो आप भी देख रहे हो। यही देना चाहिए लड़कियों को, आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा बनाओ, सबको एक समान रखो।